हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेडमी कंपनी की K30 सीरीज इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही है, जिसके अंदर आपको रेडमी K30, K30 प्रो और रेडमी K30i जैसे स्मार्टफोन देखने को मिले हैं। इन सभी स्मार्टफोन्स के अंदर आपको कंपनी ने बढ़िया और अच्छे फीचर्स दिए हैं और इन सभी स्मार्टफोन्स का लुक और इनका डिजाइन भी बढ़िया है। तो दोस्तों, अब शाओमी कंपनी अपनी रेडमी K30 सीरीज की सक्सेस को देखते हुए अपना एक और नया स्मार्टफोन रेडमी K30 सीरीज के अंदर ही लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, शाओमी कंपनी रेडमी K30s स्मार्टफोन को लेकर आ रही है, जो कि दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन में भी आपको दोस्तों कंपनी बढ़िया और अच्छे फीचर्स देने वाली। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन को कंपनी ने चीनी सर्टिफिकेशन साइट टेना के ऊपर लिस्ट कर दिया है, जिसके अनुसार इस स्मार्टफोन की लगभग सभी स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुकी है और इस स्मार्टफोन की कुछ लीक्स फोटो भी सामने आई है। सो फ्रेंड, इससे यह साफ हो जाता है कि रेडमी K30s स्मार्टफोन लॉन्चिंग से ज्यादा दूर नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसके प्राइस और इसकी लॉन्चिंग डेट आदि के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप एक बढ़िया शाओमी कंपनी का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं इस स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन के साथ। दोस्तों, जिस तरह से इस स्मार्टफोन की कुछ लीक्स फोटो को देखा गया है, तो दोस्तों उसके अनुसार इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन MI 10T सीरीज के जैसा होगा। यानी दोस्तों, इस स्मार्टफोन में बैक पैनल के ऊपर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको दोस्तों 5 नोच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 6.67 इंच की फुल HD 5 नोच डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले देगी, जिस तरह से आपको दोस्तों रेडमी K30 सीरीज के दूसरे स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देगी, जिसमें आपको इसके बैक पैनल के ऊपर 64 MP, 13 MP और 5 MP का रियर कैमरा और 20 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैमरे के मामले में भी रेडमी K30 स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इस स्मार्टफोन के अंदर बढ़िया और अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं और वीडियो आदि को शूट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन के वेरियंट्स की, तो दोस्तों मार्केट में रेडमी K30 स्मार्टफोन आपको 6 GB, 8 GB और 12 GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 128 GB, 256 GB और 512 GB के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मार्केट में यह स्मार्टफोन आपको कई वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों दूसरे सभी फीचर्स की तरह ही इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी प्रोसेसर भी बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रेडमी K30s स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट देगी और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, जो कि MIUI 12 के ऊपर काम करेगा। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडीनो 650 का GB देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी प्रोसेसर बहुत ही जबरदस्त देने वाली है, जिससे आपको स्मार्टफोन बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल परफॉर्मेंस दे सकता है। तो दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में स्मार्टफोन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों रेडमी K30s स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 5000 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी देगी, जिसके साथ आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बैटरी के मामले में यह स्मार्टफोन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। इसके अंदर आपको कंपनी 5000 mAh की पावरफुल बैटरी तो देगी ही, इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे आपका स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। तो दोस्तों, ये थी स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपके लिए स्मार्टफोन कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर इस स्मार्टफोन के फीचर्स को देखा जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको वही सभी फीचर्स दिए गए हैं, जो कि दोस्तों आपको MI 10T स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन आपको लगभग 35 से 40 हजार रुपए के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको फीचर्स बहुत ही जबरदस्त मिलेंगे। बाकी दोस्तों, अगर इसकी लॉन्चिंग डेट की बात की जाए, तो दोस्तों वैसे तो इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से इस स्मार्टफोन को सर्टिफिकेशन साइट टेना के ऊपर देखा गया है, उसके मुताबिक दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको इसी महीने के लास्ट तक मार्केट में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा और आपके अनुसार इस स्मार्टफोन की कीमत इंडियन मार्केट में कितनी होनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।